दोनों ने सोमवार को स्थानीय पवेलियन ग्राउंड में द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतिभागियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और प्रतियोगिताओं में भागीदारी कर रही हैं, जिससे देश में उत्तराखंड की पहचान बन रही है और यह हमारे खिलाड़ियों की खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, इसी के तहत राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति बनाई गई है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की थी और राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया था, जो शुरू कर दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये हर महीने खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है।